क्रांतिकारी योजना है जिससे आज हमारी बहनों के भाइयों के सबके चेहरे में खुशी दिख रही है। और जब आप जानते हैं आदमी अपने सुख से ज्यादा दुखी नहीं होता है, दूसरों के चेहरे को देख करके होता है। और यही बीजेपी की सोच है, वो नहीं चाहते कि हमारी माताओं बहनों के अकाउंट में हजार टका। झड़खनाओं के बाद बंद हो जाएगी मैया समान योजना, कल्पना सोरेन ने कर दिया साफ। झारखंड के मुख्यमंत्री मैया समान योजना चुनाव के बाद भी जारी रहेगी। इस मामले पर कल्पना सोरेन ने साफ करते हुए कहा कि भाजपा से जुड़े लोगों ने इस योजना के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। आइए जानते हैं पूरा मामला। झारखंड विधानसभा चुनावों की आहट मिलना शुरू हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में चुनाव आयोग इसकी तारीख का ऐलान भी करने वाला है। ऐसे में प्रदेश की सत्ता पे बैठी पार्टी और विपक्षी पार्टी भाजपा के बीच टकरार जारी है। चुनाव शुभ गुगवाहट के बीच झारखंड में एक सवाल सामने आया है कि क्या हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री मैया समान योजना सिर्फ एक चुनावी स्टंट है और चुनाव के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने सब कुछ साफ कर दिया। शुक्रवार को कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री मैया समान योजना यात्रा के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में थे। यहां विपक्षी पार्टियों को खासकर भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री मैया समान योजना के भविष्य को लेकर भ्रम फैला रही है, वो सही नहीं है। कल्पना ने कहा कि मैया समान योजना चुनाव के बाद भी बिना रोक टोक के चलती रहेगी। पूर्वी सिंहभूम की यात्रा के दौरान जेएमएम के नेता कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड बनने के बाद से पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18 से 50 साल की महिलाओं के लिए ये योजना शुरू की है, जिसमें प्रदेश की आधी से ज्यादा महिला आबादी को ₹1000 महीने दिए जा रहा है। इस दौरान कल्पना सोरेन भाजपा पर आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का यह दावा गलत है, चुनाव के बाद यह योजना बंद हो जाएगी। कल्पना का कहना है कि चुनाव के बाद भी यह योजना निरंतर चलती रहेगी। यात्रा के दौरान कल्पना सोरेन ने भाजपा पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। कल्पना का कहना है कि भाजपा से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री मैया समान योजना को बंद करने के लिए कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं का भरोसा दिलाया है कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना चुनाव के बाद भी चलती रहेगी और महिलाओं को इसका लाभ मिलता रहेगा। यात्रा के दौरान कल्पना सोरेन ने हेमंत सरकार के लिए महिलाओं से समर्थन की भी मांग की है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।